शराब भी जिल्म दिल ये मेरा बेवजह था सब तेरे बिना। Hey everyone, welcome back to my channel, this side Sakshi Dhanchal, और आज मैं हूँ जैसा कि अमृतसर में। लास्ट टाइम आपने व्लॉग में देखा होगा दैट आई हैव रीच टू अमृतसर, पर अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले गोल्डन टेम्पल। पर सबसे पहले हम पिक करेंगे यहाँ से एक कैफे है अमृतसर से अराउंड 15 मिनट की दूरी पे, नॉट अमृतसर, गोल्डन टेम्पल से। सो हम कॉफ़ी पिक करेंगे और फिर हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। सो अभी हम लेट उठे बिकॉज वी वर टायर्ड, यू आर वेरी टायर्ड। ये तो ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड था, इसको तो बस उठाना ही मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी बेड से। सो लेट्स गो और दर्शन चल करने चलते हैं फटाफट से। सो वी हैव स्टॉप नियर बाय कैफे, जैसा कि आपको बताया था, फॉर द कॉफी। दिस इज अमेजिंग कैफे, आई एम गोना कवर दिस कैफे फॉर टुडे इन दिस व्लॉग। सो फाइनली वी गॉट द कॉफी, और अमन एज यूजुअल सुबह से अपने फ़ोन पर, हमेशा की तरह इसके पास, रात को इसको फ़ोन रखवा लो, दिन में इसको फ़ोन रखवा लो, इसको सोते वक्त भी फ़ोन दे दो, ये फ़ोन को गले लगा के सोता है लड़का। गोइंग टुवर्ड्स गोल्डन टेम्पल। ये ग्रैंड टर्क रोड पर हूँ मैं सीधा पार्किंग में एंट्री लेने जाती हूँ, और लिटरली यहाँ पे अमृतसर में तो इतनी भसड़ होती है ना ट्रैफिक की, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब पीपल आर ड्राइविंग क्रेजी, यहाँ पे लोग रेड लाइट स्किप करे जा रहे हैं। और ये हम गलती से पहुँचते हुए और क्या इंग्लिश भाई, बड़ी देर से ढूंढे ना हिंदी देखे ना इंग्लिश देखे, फिर मैंने ध्यान से देखा छोटी सी इंग्लिश में लिखा हुआ था वे टू पार्किंग। पंजाबी तो समझ आते नहीं, मम्मी है नहीं साथ में, मम्मी को पढ़ने आते पंजाबी। फाइनली गाड़ी पार्क हो चुकी है एंड हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ, हमारी पार्किंग हुई है I1 पे, हम बहुत नीचे आए हैं एक्चुअली, और अब हम जा रहे हैं एक्चुअली सेकेंड फ्लोर है, I1 नहीं है, I1 उसका वो होगा सेकेंड फ्लोर। हाँ पिलर नंबर, लेट्स टेक स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। सो रीचिंग टू द मार्केट प्लेस, और ये तो मेरे कैमरे में से आगे चलता रहता है क्योंकि मेरे से आगे खड़ा होता है हमेशा, दो कदम आगे ही भाग जाएगा छोड़ के। एंड इट्स जस्ट लाइक अमृतसर हमेशा आपको इतना ही भरा हुआ दिखेगा। तुम जाओ और तेज चलो, जाओ हाँ ऐसी या। इतनी सारी फूड की शॉप है, अगर मैं पूरा टर्न भी लूँ ना तो इतनी सारी फूड की शॉप है। हम आए थे पार्किंग ऊपर फ्लाईओवर से, अभी गुरुद्वारे का रास्ता कुछ उस तरफ से कटेगा तो हम पहले गुरुद्वारे दर्शन करेंगे, एंड उसके बाद आप जलियांवाला बाग भी देखने वाले हो अगर इतनी भीड़ नहीं हुई तो, जितनी मुझे दिख रही है आज। सो गाइस, जैसा कि जलियांवाला बाग है, एंड आई गेस ये वो लोग जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में, ये शायद उनके नाम है यहाँ पे इस जगह पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे पूरा वो हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। भैया आप ये उनके नाम लिख रहे हो जो यहाँ शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में। गोल्डन टेम्पल का गेट चारों तरफ से ओपन है, सो आप किसी भी गेट से आ सकते हो। ये वाला गेट लंगर ग्रह के बिल्कुल साथ वाला गेट है। इट्स टाइम कि हमने जोड़े उतार लें, हमें शूज उतार लें और जमा करवा दें, क्योंकि हम गुरुद्वारे के बाहर जस्ट हम एंट्री लेने वाले हैं। फाइनली गाइस, बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा, हमें कम से कम 2 घंटे खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। सो हमारे गुरुद्वारे के दर्शन हो चुके हैं, एंड दिस टाइम टू गो अगर हम जलिया वाली बाग में एंट्री कर पाए, और हमें जाना है आज कैफे। कैफे का नाम याद है तुम्हें? हाँ, नहीं भूल गया। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें 500 रुपये देती, इट्स ओके। अब तुम देखना मत गूगल पे, मैं ना 500 रुपये नहीं मिलेंगे, फिर 1000 रुपये मुझे देने पड़ जाएंगे तुम्हें, ओके तुम्हें मुझको एक्चुअली। सो अब हम जा रहे हैं देखने जलिया वाला बाग खुला हुआ है तो, एंड लेट्स एक्सप्लोर द जलियांवाला बाग। बट देखा तुमने ये बहुत एंशेंट टाइप से डिजाइंड है, राजा महाराजा के टाइप से, मैं चीज़ नोटिस करी है। फाइनली जलियांवाला बाग घुसते हुए, एंड कुछ ऐसी साउंड आ रही है जलियांवाला बाग में। वाओ, दिस लुक्स एक्चुअली ग्रेट, क्यूट है ये। तो आप बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है जलियांवाला बाग में, ये भी बहुत प्यारा है। सो गाइस, अगर आपको जलियांवाला बाग की स्टोरी बताए तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो मैं आपको पता है कि जी तुमको पता एक्चुअली नॉट आपको, कि यहाँ पे एक्चुअली गोलियों के वो
मुझे तो मेरे मॉम डैड ने सुनाई है हर बार। सो गाइस ये वाली कुआं जहाँ पे लोग खोद के अपनी जान दे रही थी, क्योंकि लोग अपनी जान बचा रहे थे और इसमें खोद गए थे सारे के सारे। पता तुमको ये चीज़, आप तो तुम्हें पता ही होगा, तो तुमने यहाँ पर स्टोरी देखी है पूरी होते हुए। एंड मुझे पता चला कि यहाँ पर शो भी होता है, कुछ एक घंटे में शो स्टार्ट होगा, आप उस शो को इंजॉय कर सकते हो। ये गाइस ये वाले शो है ना, ये एक्चुअली गोलियों में निशान है। जब फायरिंग हुई थी तो उस टाइम गन्स भी इतनी बड़ी होती थी, तो बुलेट के निशान कितने, मतलब आई मीन गोली के निशान इतने बड़े बड़े, वही बुलेट ही एक तरीके से। टू बेस्टेला एंड योर डाइनर योर प्लेस। ओके सो दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ 15 मिनट्स फार अवे फ्रॉम, कहाँ से फार अवे है? गोल्डन टेम्पल। सो हम यहाँ आए हैं आज कुछ खाने, एंड वी आर हंग्री, लेट्स ईट समथिंग। तो बेस्टेला पर आज कुछ ऑफर चल रहे हैं, वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर है, गेट 1+1 ड्रिंक्स फॉर कपल्स, वाओ, गेट अ कूपन ब्राउनी ऑन 1,000+ बिल फॉर कपल। सो दिस आर द कपल ऑफर्स वी आर प्लानिंग टू कम बेस्टेला। आई मिस माय कपल टुडे। कैफे, मुझे इस कैफे का सबसे अच्छा इंटीरियर लगा। इफ आई टॉक अबाउट अपर सीलिंग एरिया, तो इसका जो इंटीरियर है ये सारा फाइबर वुड से हुआ हुआ, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। एंड इफ यू लुक फॉर द वॉशरूम्स, देन देर आर टू वॉशरूम्स, वन फॉर वुमेन वन फॉर मेन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेन्यू, देन आई विल कम टू बैक मेन्यू एज वेल। जिसके लिए सेकेंड पहले मैं आपको यहाँ का दिखा दूँ, जगह कितनी बड़ी है। सो इफ यू प्लानिंग अ पार्टी, दिस प्लेस इज़ वेरी ह्यूज। इवन इनके पास एक नीचे वाला एरिया भी अवेलेबल है, और इसके बाद इनके पास हर टाइप ऑफ ड्रिंक अवेलेबल है। हर टाइप ऑफ ड्रिंक अवेलेबल है ना आप लोगों के पास, मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स, वाइन भी अवेलेबल है। सही है, आपको क्या पसंद है, वाइन या फिर मॉकटेल या कॉकटेल, तो ये बताओ। हाउ इज़ द फूड, यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग, यू लव्ड इट? यस। तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद आई आपको? टोमेटो सूप। टोमेटो सूप, दैट्स इट। मुझे सबसे क्यूट लगा, क्यों, कैन यू जस्ट ज़ूम दिस थिंग, आई जस्ट लव दिस। ये जिस तरह बना हुआ है ना, ये जो लोग हैं, दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। ये रस्सी पकड़ के चढ़ने वाले, मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए यार। ये कहाँ से मिलेगा, किसी को पता? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड डेकोरेशन। सेल्फी मिरर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक कूल डेकोरेशन है, जहाँ पे एक ह्यूज सिटिंग एरिया है। 85 to 100 पीपल आई गेस यहाँ पे आराम से आ सकते हैं गेट टुगेदर में। चेयर्स ऑलरेडी ऊपर बहुत है, तो और भी अरेंज हो जाएगी। अ स्मॉल डीजे विद अगेन अ सेल्फी प्लेस, जो और डेकोरेट हो जाती है जब कुछ डेकोरेशन लगती है। ऑब्वियसली यू कैन डेकोरेट इट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। और यहाँ पे भी जो है ऊपर की तरफ सीलिंग में वुड फाइबर्स लगे हैं, विच लुक एक्चुअली ब्यूटीफुल। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी इनका डेकोर। और उसके अलावा इस वक्त मैं शूट कर रही हूँ सिर्फ लाइट्स में, और मैं शूट कर रही हूँ 60 फ्रेम्स में, 4K 60 फ्रेम्स एक्चुअली। एंड स्टिल यू कैन सी द क्लैरिटी ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम द आईफोन। एंड इवन ये डेकोर बहुत प्यारी है, दिस इज एक्चुअली, भूल गई क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट, बट दिस डेकोर एक्चुअली लुक ब्यूटीफुल। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में बस इतना ही। डू यू लाइक दिस प्लेस, कमेंट करके बताना। बाय।